Good morning, guys. Good morning, guys. कैसे आप सब लोग? So, आप लोग ठीक होंगे क्योंकि आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आज जी ब्रेकफास्ट में बन रही है बड़ी ही जबरदस्त हरी रोटी, पालक की रोटी। तो ऐसे है कि और सिर्फ पालक की रोटी नहीं है, सब कुछ हरा हरा है आज, हरा हरा। और सबसे बड़ी बात है कि सब हमारे अच्छा लगी। ये करेले दिखाओ तो, ये बने पड़े करेले। हाँ, ये हमारे घर के करेले हैं जिनको मैंने भरवा करेले बनाए हैं जी। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ही टेस्टी है क्योंकि टेस्ट करके देखा था मैंने इनको। और इसके साथ हम लेंगे शायद पक्का दही लेंगे और वो लेंगे, एक मिनट रुको। ठीक है ना, तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा होने वाला है। आप लोग भी प्लीज एक ट्राई करें, क्योंकि हेल्दी है, बहुत हेल्दी रोटी है। इसमें थोड़ा मैंने बेसन भी डाला है और तो मल्टीग्रेन आता है इसमें जो आता है। ठीक है जी, पराठा नहीं खाना हमने खाना है इस पे रोटी पे लगा के थोड़ा घी जी। वो ठीक है क्योंकि पराठा जो होता है वो अच्छा नहीं है खाने के लिए, वो तो उसमें समा जाता है ना सारा घी। तो दिन के हम 2-3 छोटे चम्मच अगर घी के लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारी अंदर जो विटामिन है कुछ उनको फैट भी चाहिए, वो फैट गुड फैटी एसिड, हाँ उनकी एब्जॉर्बेशन जो है वो फैट्स होती है। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल, तो ये फैट सॉल्युबल से होते हैं जो, तो उनसे हमें उनके लिए हमें लेना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर आपको। तो ये बन रहा है हमारा खाना और यहाँ चल रहा है जी विसल। विसल देख रही है अपने जी बड़े डॉग्स को, जिनको नहीं पता हमारे पास 2 और डॉग्स है। तो ठीक है जी, तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि विसल को तंग कर रहे थे। तो अब हम चलते हैं जिंजर की तरफ। जिंजर बैठी जी आराम कर रही है किचन में, और ये है जी मामा का कमरा, जो कि मामा ने बिल्कुल भी साफ नहीं रखा। अभी वाइट ऑफ कर देते हैं, मतलब साफ ही है पर इसको थोड़े कपड़े वगैरह हम कर देंगे, मैं कर दूंगी तय। ठीक है जी, और बाहर की जी आप हालात देख सकते हैं, मतलब शदीद गर्मी। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस डे, क्योंकि आज कुछ होने वाला है बहुत ही खास, जिसके लिए हमें थी बड़ी सारी देर से इंतजार। और देखते हैं कि आज वो कितने बजे होता है, जब भी होगा आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क, आप देख सकते हो मुझे अभी पसीना आ रहा है, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है। आप सोच सकते हो कि आज मैंने अपना कमरा खोला ही नहीं, मैंने उसका जो मेन जो डोर होता है जिससे बाहर हवा वगैरह आ सकती है नहीं खोला। मैं तो जब बैठेंगे खाना खाएं तो भी एसी ही ऑन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत गर्मी है। तो गाइज अभी हम खाएंगे अपना ब्रेकफास्ट, करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, और उसके बाद हमारे सामने आज एक बहुत बड़ा टास्क। मैं आपको टास्क दिखा देती हूँ, फिर आपको पता पड़ेगा मैं क्या कह रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने वो करना है एनजीओ को, से हमें वो करना है, हमें डोनेट करना है कुछ कपड़े। तो ये वही कुछ कपड़े हैं जो कि बिल्कुल प्यारे नए टाइप कपड़े हैं, कुछ इनमें खराबी नहीं है, ये देखो बिल्कुल सही कपड़े हैं। और तो यही आज हमने वो लेके आए हैं, सैक लेके आए हैं, वो पड़ी हमारी सैक, इसमें हमें इसको पैक करना है। और ये है जी मेरा रूम, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब इतना क्लीन है मेरा रूम कि मैं दरवाजे तक उसके साफ रखती हूँ, आमीन। ये देखो, और ये मेरा स्माइली, और ये जी मैंने कल एक बहुत ही प्यारी चीज मंगवाई है मीशो से, क्योंकि ना पिंक मंगवाई थी पर चलो कोई ना, आ गई है ब्लू। और ये कुछ विचल विचल के टॉयज अभी बाग के अंदर रखे हैं, इससे खेल लेगी, बहुत अच्छी है इसलिए। तो गाइस अब आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और आज एक ही एग है मेरे लिए, तो नाश्ता रेडी हो चुका है ब्रेकफास्ट, जिसमें मेरे प्लेट में है सनी साइड अप करेला पालक की रोटी, मामा की प्लेट में है
ये बैंगन जो भरवा बनाए थे वही पड़े हैं, और ये कोफ्ता है। अच्छा। और ये करेला, और ये हरी रोटी यानी कि पालक। अच्छा ठीक है, तो ये जी हमारा चल रहा है आज का नाश्ता, साथ में चल रहा है हमारा डेली ब्लॉग, हमारा नहीं किसी और का जो हम देखते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट अपना और मिलते हैं आपको तुरंत ब्रेकफास्ट के बाद। ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे कपड़े जो है हमने कर दिए हैं, निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं ये भी अंदर जानी है जैकेट, और दो बोरे भर चुके हैं, अभी भी काफी सारे कपड़े सेट करने वाले हैं। कुछ इनमें से हम रखेंगे जो हमने कभी हमने जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं अभी, और बाकी हम और डोनेशन में डालेंगे। बाकी धुलने कपड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसी हो रखा है अभी, और देखो जी विसल की बॉल, तो मैं रख लेती हूँ बॉल, विसल खेल लेगी। तो अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम करेंगे थोड़ा आराम, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है जी 2 बजने वाले हैं, यहाँ हमारा चल रहा है यूट्यूब एयर चाइना, और यहाँ है मेरे आईना माइना टाइना, देख आईना माइना टाइना और शाइना। तो आज फिर हमारे लंच में क्या बना है? नानी वाली खिचड़ी। तो जब मैं छोटी थी ना गाइस, तब मैं जिद करती थी कि मुझे मटर वाले चावल दो, और अब नानी वाली खिचड़ी। और सचमुच अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया, हमारा कोई सब्सक्राइबर आया, तो हम उसे जरूर खिलाएंगे नानी वाली खिचड़ी, बहुत ज्यादा टेस्टी थे। चलो मामा अपना डालो, और थोड़ा सा हमने सब्सक्राइबर्स को दिखा देंगे कितना ही मजे का है। और वो बिस्तर गिर गई, वाह जी वाह। और इस पे मैं लगा देसी, मतलब प्याज को देसी घी में तड़क के ना तड़का लगाओ तो वाह जी वाह। शाम के बज रहे हैं अभी 5, और यहाँ हमारे चल रही है जी टी टाइम। बिस्तर हटो बेबी हटो, तो यहाँ चल रहा है हमारा टी टाइम, और यहाँ विसल की शरारतें हो रही हैं। यहाँ पीछे देखो जी जिंजर 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 सो रही है बहुत डीप स्लीप में। तो चलो मामा उठो चाय पीते हैं कुछ। तो गाइस यहाँ पे शाम को देखो विसल का स्टाइल, देखो टीवी देखने का वो चल रहा है टीवी पे ब्लॉग, और ये देखो कैसे बैठी है, बहुत ध्यान से टीवी देखा जा रहा है। हाँ पता इसकी बात हो रही है ना, देखो इसका आज का नहीं है रोज का यही रूटीन है इसका, टीवी टीवी। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 8:05 का, और आप एक बार चेक करो जी, एक एक चीज अकेली अकेली चीज मैंने अपने खुद के हाथों से इन हाथों से साफ की है। मतलब मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट हुई थी शाम को 6:30 बजे, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब शाइन कर रही है। मैंने लाइजॉल कमरा आप देख सकते हैं, ये देखो मैंने नए कर्टन्स मंगवाए हैं 375 रुपीज़ के, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मेरा बेड, मेरा रूम, हर चीज़ लाइवली है बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा ही पसंद है। मामा कुछ नया सामान आया है, तो जी अभी हमारे इलेक्ट्रिशियन आ गए हैं, कुछ होने वाला है, आप सब देखेंगे और खुश होंगे जी। और खुदा की हम दो सना, गुड इवनिंग गाइस, ये देखो आज सना ने बहुत काम किया है और बहुत टायर्ड हो गई है, इसकी लेट गई है, और इसलिए भी झांक रहा है बीच में से प्याला चुहे भी बन के। और टाइम हो गया 9:30 का, ये है हमारी जिंजर, ये जिंजर है बेचैन बहुत। अब आप पूछो कि जिंजर बेचैन क्यों है, क्योंकि आज बना है मटन इसके लिए, और ये मटन की बड़ी क्रेजी है। चलो चले जिंजर जिंजर कम आज आज बेबी कम 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 कम
नहीं आएगा अभी बार प्लीज टेंशन मत लो है ना मामा। और ये हमारा बाहर भी नया फैन लग गया और आज मामा नए कपड़ों में है। मामा गिफ्ट मिला जी, नाइटी गिफ्ट। तो झूमर सक्सेसफुली नहीं लग पाया क्योंकि उसको नहीं आता था लगाना, कल दोपहर के बाद लग जाएगा। मुझे यहाँ पे येलो लाइट चाहिए थी पर वाइट लगी है। चलो कोई ना, लाइफ में हर चीज तो आपके मुताबिक नहीं होती। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी मेहनत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुखार हो गया, बट चलो हो गया काम, प्रेज जीसस। और मेरी इतनी बुरी हालत है कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे तो मैं जाके लेट जाती हूँ। चुप 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 चुप, जिंजर का वीडियो बन रहा है, जिंजर का वीडियो बना रहा हूँ, चुप दो मिनट। हाँ आवाज आती रहेगी उसमें। देखिए जिंजर बहुत बिजी है, आज इसको मटर मिला है, ये देखो। और आपको ले चलता हूँ उतरे मिश्रा के पास, मिश्रा भी बहुत बिजी है। ये देखिए मिसल, सर बिजी है, बहुत बिजी है भैया। टाइम हो रहा है जी 10 बजने वाले हैं और यहाँ चल रहा है जी हमारा डिनर। और आज डिनर में हरी रोटी, मामा औरों का मटन और आलू मटन यार, आलू मटन मेरे लिए मामा ने बनाई थी जी, लौकी की दाल। लेकिन आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा शदीद ख़राब हो चुकी है इसकी कोई हद नहीं, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस में काम कर लिया जितनी मेरी बॉडी ने मुझे अलाउ नहीं किया। मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखे, मुझे ऐसा बुखार हो गया, इसलिए मैंने बनाई है आज पूरा चाह। तो नाल आप खावे जी हरी रोटी पालक दी, और वो ऐसी मतलब है अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी है, मैं डिनर नहीं करती पर आज कर लेते हैं। बाकी जी आज हम देख रहे हैं जी व्लॉग और खाने लगे डिनर, तो मिलते हैं आपको डिनर के बाद।